चीज छोड़ो आराम करो, देखो चीज करेंगे परमिशन दोस्तों, शाही बंद कराओ, बंद कराओ, बंद कराओ, छात्रों को हंगामा मेरा नाम प्रतीक रैना। आज का जो ये प्रदर्शन है ये जम्मू के विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा रखा गया है और ये प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा 6 दिन से रखा जा रहा है, जिसमें हायर एजुकेशन अथॉरिटी को चिंतन करना पड़ेगा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी को चिंतन करना पड़ेगा कि विद्यार्थी जो 18,000 फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं उनको अभी तक एडमिशन्स क्यों नहीं दी जा रही, क्या नाकामी है हायर एजुकेशन अथॉरिटी के, सेक्रेटरीट की, सेक्रेटरी एजुकेशन अथॉरिटी की क्या नाकामी है, क्यों अभी तक इन बच्चों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, क्यों अपनी कभी ये मार्कशीट जला रहे हैं, क्यों हायर एजुकेशन का पुतला फूका जा रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं डिविजनल कमिश्नर को, ज्ञापन सौंपा जा रहा है माननीय वाइस चांसलर को, और जब माननीय वाइस चांसलर से विद्यार्थियों की बात होती है इनटेक कैपेसिटी ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए तो वहाँ क्या बोला जाता है, वहाँ क्या बोला जाता है क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर द्वारा वहाँ ये शब्द ये कहते हैं कि आप जितने मर्जी प्रदर्शन करो मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला। अरे विद्यार्थी दबाव में यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस निकाला गया। अच्छा, तो मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहूँगा, आपके भी भाई बहन कहीं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा फॉर्म, तो 1.5 महीने से जिस कैंपस की एडमिशन अगर बढ़ाई गई होती तो ये जो भाई यहाँ बहनें मेरी खड़ी हैं ये क्या दर बदर की ठोकरें खा रही होती कि आप सीट्स को बढ़ाया जाए और इन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नकेल कसी जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि आप विद्यार्थी यहाँ पब्लिसिटी करने आते हो, पब्लिसिटी स्टंट करने आते हो, यहाँ पे विद्यार्थियों के एडमिशन नहीं दिलाने आते। अरे ये विद्यार्थी पब्लिसिटी स्टंट करने आए हैं यहाँ पे लगातार 6 दिनों के प्रदर्शन करते हुए। मैं मुख्य मान यही करूँगा जल्द से जल्द ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त किया जाए और माननीय एलजी साहब से इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।